The doctors have urged the Jammu and Kasmir Governor Satya Pal Malik to order for an immediate ban on PUBG Mobile in the state to save the future of young generations. Hi guys, Gaming Empire के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो अभी अभी मैंने जो आपको पढ़ के बताया तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है PUBG के बैन को होने के लिए। तो मैंने जो आखिरी वीडियो दी थी PUBG के ऊपर तो उसमें लिखा हुआ था कि PUBG बैन होने वाला है या नहीं, तो उसमें मैंने प्रूफ कर दिया था कि PUBG बैन नहीं होने वाला है। तो इस बार की न्यूज़ एकदम सच्ची है, इस बार कोई भी एडिटिंग फोटो नहीं है, इस बार सच में PUBG बैन होने का आया है। तो क्या है ये मामला जल्दी से जान लेते हैं, ठीक है? तो बिना टाइम के वेस्ट चलेगा इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर जिसको इंडिया का स्वर्ग कहते हैं, अभी उस जगह के बच्चों के लिए जम्मू एंड कश्मीर नर्क हो गया, क्योंकि वहाँ के एक डॉक्टर जिसने सत्यपाल मलिक जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर को बताया कि पबजी मोबाइल बैन करने के लिए, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे हैं वो लोग पबजी खेलते, हर समय पबजी खेलते हैं, इसलिए पढ़ाई नहीं हो पा रहा, तो एग्ज़ाम में मार्क्स कम आ रहे, इसलिए वहाँ के एक डॉक्टर ने ये सब बताया। साथ ही उसके साथ ये बताया, देख लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर सत्यपाल मलिक टू बैन द गेम विथ इमीडिएट इफेक्ट। इसके बाद जो गवर्नर उसने कुछ नहीं बताया, देखिए लिखा हुआ है द गवर्नर हैज़ नॉट कमेंटेड ऑन द इशू येट। और इसके बाद एक और मामला हुआ है, वो हुआ है बेंगलोर में, वहाँ पे एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NIMHANS। तो यहाँ से सबसे जो बच्चे लोग हैं वो सब पबजी के ऊपर पबजी खेल रहे हैं, तो इसमें एडिक्ट हो रहे हैं। मुझे भी पता है कि पबजी कितना हानिकारक है, इसके लिए सब लोग एडिक्ट हो रहे हैं, तो बहुत ही फालतू मामला है ये। तो ये न्यूज़ एकदम 100% सच है। तो गाइस मैंने कल टीवी में भी ये सब देखा और इसके बारे में बहुत सी रिपोर्ट्स भी मैंने पढ़ी है, तो ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है। तो अभी बात कर लेते कि ये क्या है सच में बैंड है। तो गाइस जहाँ तक मुझे पता है तो इसका तो पबजी जो लोग खेलते हैं तो पबजी में बहुत ही हानिकारक है, पबजी बच्चों के लिए इसका बहुत बड़ा एडिक्शन हो जाता है। शायद आप खेलते हो तो आपको भी पता होगा, मैं ज़्यादा नहीं खेलता, मैं कभी कभी पबजी खेलता हूँ, दिन में 2 या 3 मैच खेलता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैं अभी एडिक्ट नहीं हूँ, पर मैं अभी और भी कम कर दूंगा क्योंकि मेरे भी एग्जाम्स आ रहे हैं। तो अभी बात कर लेते क्या ये बैंड होगा या नहीं। तो गाइस पहले ही बता देता है कि इससे बैन नहीं होने वाला है, क्योंकि गाइस ये कोई जानलेवा गेम नहीं है, एग्ज़ाम में मार्क्स कम आ रहे हैं, हेल्थ अच्छा नहीं हो रहा, तो इसमें सरकार की क्या गलती, गेम की क्या गलती, ऐसे तो कोई भी गेम इंडिया में नहीं टिक पाएगी, ठीक है? अगर ये ब्लू वेल की तरह गेम होता जिसमें इंसान मर रहे हैं, सब लोग छोटे बड़े सब लोग मर रहे हैं, तो ये बैंड हो जाता, तो पर ये तो ब्लू वेल की तरह गेम नहीं है ना, इसलिए ये सब बैंड नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर ये शायद वार्निंग होगी पबजी के लिए, या फिर इसके ऊपर कुछ लॉ भी रेडी हो सकता है, पर बैन नहीं होने वाले। तो गाइज चिंता मत लो, ऐसे ही खेलते रहो, पर एक बात हमेशा याद रखना कि खेलना जितना है खेलो, पर लिमिट में खेलो, लिमिट क्रॉस मत करो, क्योंकि अगर लिमिट क्रॉस करोगे तो तुम्हारा भी हेल्थ ख़राब हो सकता है, एग्ज़ाम में मार्क्स कम आ सकते हैं। तो अगर ऐसे हुआ तो शायद आने वाले टाइम में पबजी बैन भी हो सकता है। तो जो पबजी नहीं बैन होना, जो नहीं चाहता कि पबजी बैन हो, तो वो सब ऐसा मत को, लिमिट में खेलो हमेशा, अपना हेल्थ का भी ख्याल रखो, और एग्ज़ाम में भी एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करो, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मेरा भी एग्ज़ाम चल रहा है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डालता तो इसके लिए गाइस सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बाजू वाला बेल आइकन भी दबा दो। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।